2018 में एक फिल्म रिलीज हुई थी तुम्बाड़, जिसने पूरे इंडियन सिनेमा की तस्वीर को एकदम बदल कर रख दिया था। कहानी में इंसान के लालच जैसे कॉन्सेप्ट को सेंटर में रखकर एक मास्टरपीस फिल्म को तैयार किया गया था, जिसको कंपटीशन देना बॉलीवुड तो छोड़िए हॉलीवुड के भी बस से काफ़ी बाहर है। लेकिन इस असंभव काम को पूरा करके दिखाया है एक साउथ इंडियन फिल्म ने, जिसको लोगों से पहचान थोड़ी कम ज़रूर मिली है, लेकिन वो कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। तो चलिए नींद से बाहर आइए, आज मैं आपको एक मास्टरपीस फिल्म के दर्शन कराने वाली हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीक्षा, वेलकम टू फिल्म इंडिया। हाजिर हूँ लेकर एक स्पेशल वीडियो, जिसमें एक ऐसी चालाक फिल्म से आपकी मुलाकात होगी जो आपके दिमाग को अपने वश में कर सकती है और दिन में भी आपको तारे दिखाने की ताकत रखती है। फिल्म का नाम है आ कराला रात्रि, लेकिन हिंदी में इसको घातक रात नाम से डब किया गया है। सबसे मजेदार बात, फिल्म एकदम फ्री है, कोई भी पैसे खर्च करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, और इस बार आपका टाइम भी काफी बचने वाला है क्योंकि फिल्म सिर्फ 1.5 घंटे लंबी है। कहानी की शुरुआत होती है एक अतरंगी से परिवार के साथ, जो कर्नाटक के एक छोटे से गाँव में रहते हैं और गरीबी की जिंदगी बिता रहे हैं। माँ थोड़ी सी सीधी हैं और छोटी मोटी डॉक्टरी वाले काम कर लेती हैं और भगवान में इनको काफी यकीन है। पिताजी निठल्ले टाइप के हैं, जो वैसे तो कोई काम नहीं करते, लेकिन रात को शराब पीने की बुरी आदत इनका पीछा छोड़ ही नहीं रही है। तीसरी है इन दोनों की बेटी मल्लिका, जो गरीबी से तंग आ चुकी है और कहीं ना कहीं इस परिवार में पैदा होने के लिए अपने माँ बाप को बुरा भला सुनाती रहती है। इन तीनों की मामूली सी जिंदगी पलट जाती है जब इनका आमना सामना एक फॉर्च्यून टेलर के साथ होता है, जो लोगों का भविष्य देखने की गारंटी देता है। अगर इसकी बात माने तो इनकी गरीबी वाली जिंदगी पूरे तरीके से खत्म होने वाली है और खुद लक्ष्मी जी इनके घर में ढेर सारी धन दौलत की बरसात करने वाली है। शर्त बस इतनी सी है कि लक्ष्मी को पाने का सिर्फ एक मौका मिलेगा, जिसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया गया तो पूरी जिंदगी भर ये लोग सिर्फ गरीबी का मुंह देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। फिर कहानी में एंट्री होती है एक मिस्टीरियस आदमी की, जो पहली बार इस गांव में घूमने के लिए आया है और दूसरे गाँव जाने से पहले सिर्फ एक रात के लिए रुकने की जगह ढूंढ रहा है। इस तलाश में ये सीधे मल्लिका के घर तक पहुंच जाता है और रात को घर में रुकने की इजाजत मांगता है। एक अनजान को घर में एंट्री देने से पहले पूरा परिवार थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन फिर इंसानियत की वजह से वो उसको घर में रुकने की परमिशन दे देते हैं। कहानी में ट्विस्ट आता है जब इस अजीब से आदमी के पास एक गहने और पैसों से भरा हुआ बैग मिलता है, जिसके अंदर झांकने के बाद पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। सबके मन में अपने अपने सवाल हैं, क्या ये गहने उसी आदमी के हैं या फिर इनका कनेक्शन किसी चोरी के साथ जुड़ा हुआ है जिससे ये सब अनजान है। इस नए मेहमान का घर में आना खूब सारी खुशियां लेकर आने वाला है या फिर इसके पीछे कुछ ऐसा छुपा हुआ है जो पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, ये अजनबी आखिर है कौन और मल्लिका के घर में घुसने के पीछे इसका असली मकसद आखिर है क्या। इन सभी सवालों के जवाब देने का काम करती है फिल्म घातक रात। देखो, फिल्म को खास बनाता है इसका कॉन्सेप्ट, जिसमें इंसान के दिमाग को शैतान का घर दिखाने की कोशिश की गई है, जिसमें 24 घंटे फायदा और नुकसान की जोड़ तोड़ चलती रहती है। कहीं ना कहीं हमारे हर फैसले में थोड़ा बहुत लालच जरूर होता है, जिसको हम जाने अनजाने कभी ना कभी अपने दिमाग का रिमोट कंट्रोल थमा देते हैं। उसके बाद दुनिया को देखने का हमारा नजरिया बदल सा जाता है। फिल्म का मैसेज साफ है, हर इंसान के अंदर एक भलाई और एक शैतान वाला चेहरा छुपा हुआ है। इन दोनों में से किसको और कब चुनना है, उस बात का फैसला ही हमें बाकी लोगों से अलग लाकर खड़ा कर देता है। फिल्म की असली ताकत छुपी हुई है इसके खतरनाक क्लाइमेक्स में, जिसका अंदाजा आप दूर दूर तक नहीं लगा सकते हैं। जिस तरीके से डायरेक्टर साहब आपके दिमाग के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसके बाद आपका मुंह फटाका फटा रह जाएगा और दोनों हाथ अपने आप तालियां बजाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अब सबसे जरूरी बात, फिल्म को देखना कहाँ पर है, तो भैया यूट्यूब पर जाइए, फिल्म आपको हिंदी में एकदम फ्री में देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर आप इसको ओरिजिनल कन्नड़ा लैंग्वेज में देखना चाहते हैं तो फिर हॉटस्टार पर चले जाइए, वहां पर भी आपसे पैसे नहीं वसूले जाएंगे। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।